जया बच्चन ने बोल दी घटिया बात, आज बबूला हो गए सलमान खान। जया बच्चन हमेशा से अपने बेबाक बयानों और गुस्से को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। पिछले दिनों संसद में सभापति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी बहस काफी सुर्खियों में रही। सरनेम पर उनके द्वारा जाहिर किया गया गुस्सा भी हर किसी ने देखा। वैसे जया बच्चन अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण अक्सर लोगों के निशाने पर रहती हैं। एक बार उन्होंने सलीम जावेद की जोड़ी को लेकर भी कुछ ऐसा कमेंट किया था जिसकी वजह से सलमान खान भड़क उठे। दरअसल हाल ही में सलमान खान अपने पिता सलीम खान और राइटर जावेद अख्तर के साथ एंग्री यंग मैन के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आए। इसी दौरान उन्होंने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन्होंने सलीम खान और जावेद अख्तर को बिगड़ैल कहा था। इन लोगों में हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन का नाम भी शामिल है। डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक वीडियो में जया सलीम और जावेद को बदतमीज और बिगड़ैल कहती नजर आई। इस पर सलमान ने बिना नाम लिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ऐसा कहने वाले लोग पागल थे जिन कारणों से लोग उनके पिता के साथ काम नहीं कर पाए। चाहे डेट्स की कमी थी, प्लॉट पसंद नहीं आया या उनका चेहरा और कैरेक्टर नहीं भाई, वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने उनके पिता को ये कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया कि उनका दिमाग ठीक नहीं था। सलमान ने कहा, असल में दिमाग ठीक नहीं था उन लोगों का जो ऐसा कह रहे थे। सलमान ने ये भी कहा, उनके पिता और जावेद एक समय में एक के बाद एक हिट फिल्में लिख रहे थे और इस कारण उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को मना भी किया। अब जिस तरह से सलमान ने खुलेआम जया बच्चन को करारा जवाब दिया है, वो देखकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी खुश हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, एंग्री यंग मैन सलीम खान और जावेद अख्तर की दोस्ती, करियर और फिल्मों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको प्राइम वीडियो पर अलग अलग एपिसोड में दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर लॉन्च पर सलीम और जावेद की जोड़ी सालों बाद एक साथ नजर आएगी। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।